उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश में जहां सरकार अड़चन पैदा करने वाले नियमों को लेकर बदलाव कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नए उद्योगों को लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री हर्षवर्धन चौहान नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार सिंगल विंडो को खत्म कर अथॉरिटी ला रही है और प्रयास किया जा रहा है कि उद्योगपतियों के सामने आने वाली समस्याओं का जल्द से जल्द इसके माध्यम से निपटारा हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 118 में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, मगर इसका सरलीकरण किया जाएगा ताकि उद्योगपतियों को किसी प्रकार की परमिशन लेने में समस्या का सामना न करना पड़े। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लैंड बैंक को विकसित किया जाएगा ताकि उद्योगपतियों की मांग पर उन्हें आसानी से लैंड मुहैया करवाई जा सके। सिरमौर जिला के उद्योगपतियों ने भूमि को लेकर कुछ समस्याएं उनके सामने रखी है, जिनका जल्द ही निदान किया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कर्ज को लेकर बीजेपी नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करीब 28,000 करोड़ का कर्ज लेकर हिमाचल प्रदेश को आर्थिक बोझ में धकेला और जब बीजेपी 2017 में सत्ता में आए थे तो कर्ज ना देने की बात करी थी। उन्होंने कहा कि अंतिम 6 माह में बिना किसी बजट के सैकड़ों की संख्या में संस्थान खोल दिए गए और अपने चहेते लोगों को लाभ करने के लिए ठेकों के आवंटन भी किए। हर सुविधाएं जो है हिमाचल सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। जहाँ हमारा टारगेट है नए इंडस्ट्रीज को हिमाचल प्रदेश में लाना, वहाँ जो पुराने उद्योगपति हैं उनकी जो दिक्कतें हैं और उनकी समस्या है उनको भी सुलझाना हमारा जो है वो जिम्मेवारी है। हम हिमाचल प्रदेश में सिंगल विंडो को चेंज करके ख़त्म करके हम एक जो है अथॉरिटी बना रहे हैं और उसमें सारी एनओसीज जो है वो उस अथॉरिटी के काम होंगी। उद्योगपति केवल अप्लाई करेगा और जो है वो हमारी जो बॉडी है, हमारे जो अधिकारी हैं वो कलेक्ट करके जो है वो एनओसीज देंगे। 118 भी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जाओ एज फार एज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड, उनका मानना है कि भाई 118 की सेंक्शन में बहुत समय लगता है, तो उसको भी हम जो है वो कट शॉर्ट कर रहे हैं और जो अथॉरिटी का सीईओ होगा, हेड होगा, उससे फाइल सीधे मुख्यमंत्री को जाएगी और सेक्रेटरीट का जो चैनल है वो हम ख़त्म कर देंगे। अभी उन्होंने कहा कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लैंड दे एक सबस्टेशन के लिए, हमने कहा हम दे देंगे लैंड। और कालेआम में भी एक प्रपोज्ड है 220 केवी का सबस्टेशन है, वो ट्रांसमिशन लाइन उसके भी अधूरी पड़ी हुई है। हम उन सारे कामों में तेज़ी लाएंगे और हिमाचल प्रदेश में जो है हम लैंड बैंक डेवलप करेंगे। अब ठेकेदारों का तो लास्ट के 6 महीने में 9,000 संस्थाएं खोल दी, जिसको चलाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये 1 साल का चाहिए था। आज सरकार कहाँ से चलाती? आप 4.5 साल आप काम नहीं कर रहे हो और आखिरी 6 महीने में धड़ाधड़ संस्थाएं बगैर पैमाने के, बगैर फाइनेंशियल सेंक्शन के जो है आप सेंक्शन कर देते हो, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आप हज़ारों करोड़ों के ठेके लगा ठेकेदारों को अपने भाजपा के नेताओं को एडजस्ट करने के लिए डंगे लगा दिए, कहीं कुछ के टेंडर कर दिए, तो निश्चित रूप से जो है वो सरकार देख रही है इन चीज़ों को और पेमेंट भी ठेकेदारों की होगी, ऐसी बात नहीं है। तो बीजेपी की बौखलाहट है। निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी जब 17 में आई थी कहती थी हम तो लोन ही नहीं लेंगे, मगर आज जो है हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज है वो 5 साल में कोई 28-29 हज़ार करोड़ रुपये पहुँचा दिया इन्होंने। तो कर्ज लेना तो मजबूरी है, ऐसा नहीं है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है कर्ज लेने के अलावा। तो हम कर्ज भी लेंगे, विकास भी करेंगे, मगर कर्ज जो है वो हमें एक बिल्कुल जो पैरामीटर्स है उन्हीं आधार पर कर्ज लिया जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।